डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के महान परंपरा का कोई ध्वजवाहक है इस देश में तो आदरणीय श्री शरद यादव है। और हमारे जैसे नौजवान, हमारे जैसे साथी इस संग्राम में इसलिए शामिल हुआ है कि इस देश में जो महात्मा फूले का सपना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था और जो बिरसा मुंडा का उल्कुरान था, उन तमाम लड़ाई का छवि मैं शरद यादव में आज देखता हूँ। साथियों, एक बात मैं वैचारिक आज उठाना चाहता हूँ इस मन से। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि ये भारत, ये आरएसएस भारत को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है, ये आरएसएस भारत को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजर में श्री गुरु गोलवलकर ने कुछ दिन के बाद लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम भारत को 200 साल नहीं 1000 साल पीछे ले जाना चाहते। 1950 में ऑर्गेनाइजर में लिखा है श्री गुरु गोलवलकर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम भारत को 200 साल नहीं 1000 साल पीछे ले जाना चाहते। हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारत के संविधान को मटिया मेट करना चाहते हैं। ये सपना है आरएसएस का और ये सपना है नरेंद्र मोदी का, और उन्हीं के सपनों के साथ कोई खड़ा है तो नीतीश कुमार खड़ा है, इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ गुलगुलान करना होगा। और नीतीश कुमार के खिलाफ संग्राम शरद यादव का संग्राम, और इस देश की सारी विरासत को बचाने के लिए, और इस देश के तमाम जो मेहनत पसंद लोग हैं, जो इस देश के गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूं शरद यादव का संग्राम, कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था इस देश में एक नंबर की सरकार बदलते रही है, दो नंबर की सरकार कभी नहीं बदली है। तो शरद यादव का 45 साल का निष्कलंक जीवन, 45 साल का राजनीतिक जीवन उस दो नंबर की सरकार को बदलने का है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का है, उसी लड़ाई में हम भी शिरकत और शामिल होने आए हैं। साथियों, आज उस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने की जरूरत है। मैं पूनापट में भीमराव अंबेडकर ने सवाल उठाया था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक छोटा संवाद है, मैं बताना चाहता हूँ। बापू ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर, हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ ले, इस ब्रिटानी हुकूमत को खदेड़ो, फिर हम इस देश में जो कुरूतियां है उस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, बापू किस आजादी की बात करते हैं, बापू किस आजादी की बात करता है, जिसको कुएं पर पानी पीने की आजादी नहीं है, वो आजादी लेके क्या करेगा, वो आजादी लेके क्या करेगा। हम तो आज सोशल लिबरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सोशल लिबरेशन की लड़ाई शरद यादव अकेला लड़ रहे हैं, उनके भाषण 45 साल का भाषण सुनिए, हर चौराहे पर, हर सभा में उनका ऐलान है, ये सामाजिक गुलामी के खिलाफ गुलगुलान है और ये बगावत है। हम इन्हीं शब्दों के साथ महात्मा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आदरणीय शरद यादव के सिद्धांतों के साथ आजीवन लड़ेंगे और उनको मंजिल तक लाएंगे। और हमारा एक नारा है, इंडियन डेमोक्रेसी नीड्स टू डॉक्टर्स, डॉक्टर अंबेडकर एंड डॉक्टर लोहिया। भारत के प्रजातंत्र को आज जरूरत है दो दो डॉक्टर की, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया की। इसलिए साथियों, बहुत ऐतिहासिक मौका है कि आज हम इस हॉल में बैठ करके एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, वो सपना जो हमारे पुरखों ने नहीं साकार कर सका। शरद यादव ने उस झंडा को उठाया है इस देश को न्यायपूर्ण बनाने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया, महात्मा फूले, बिरसा मुंडा के परंपरा को इस देश में जिंदा करने के लिए और इस देश के लाल किला पर उन सपनों को फहराने के लिए, हम अंत में 1989 में 15 अगस्त 1989 में 90 में बीपी सिंह ने लाल किला से कहा था, उसको दोहराते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं। बीपी सिंह ने कहा था, अब जब भी कोई इस लाल किला पर चढ़ेगा, सामाजिक न्याय की बात कहे बिना उतर नहीं सकता, सामाजिक न्याय की बात कहे बिना उतर नहीं सकता। ये काम मैं कर दिया हो, वही काम आदरणीय शरद यादव के नेतृत्व में आज हो रहा है। इनकलाब धन्यवाद। और एक से जज्बे शोक की शहादत से क्या लीजिए, जज्बे शोक की शहादत से क्या लीजिए,
जबकि हमने हथेली पसर ले लिया। कत्ल होने से कब तक डरो साथियों, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। धन्यवाद, इंकलाब।